हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में पता चलेगा। ठीक है, देखिए, अगर आप लोगों का माइनर पेपर हिंदी है, ठीक है, तो माइनर पेपर हिंदी है तो इसके पहले भी हम एक वीडियो बनाए हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, वो एक अलग है। और ये भी हमारा माइनर हिंदी का ही है, और इसका जो सिलेबस है, इसका क्वेश्चन है, वो अलग है। अब स्टूडेंट कौन सा उस वीडियो को देखेंगे और कौन स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे? देखिए, ये कन्फ्यूजन सिर्फ आप ही लोगों के पास नहीं है, ये कन्फ्यूजन आप लोग से ज़्यादा हम जैसे टीचरों और आपके जो कॉलेज के टीचर हैं वो सभी को दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम आपके एरिया तरफ नहीं रहते हैं, नहीं तो हम पता लगा लेते कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, हम रहते हैं कहाँ, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, यानी हजारीबाग की ओर रहता है, और आप लोग का एग्ज़ाम हो रहा है धनबाद की ओर। ठीक है, तो ऐसे में हमको पता नहीं चल पा रहा कि क्या पढ़ना है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो इसके पहले हम वीडियो बनाया ना, प्रयोजन मूलक हिंदी वाला, ठीक है, यानी कि कामकाजी हिंदी वाला, जो इसके पहले हम वीडियो अपलोड किए, वो आपका वोकेशनल का है। क्या है दोस्तों वो? तो वोकेशनल का है, तो वो वीडियो वो स्टूडेंट देखेंगे जो वोकेशनल ले रखे हैं। ठीक है, और इस वीडियो को वो स्टूडेंट देखेंगे जो माइनर पेपर हिंदी के रूप में, डिसिप्लिन के रूप में ले रखे हैं। ठीक है, अब आप ये भी आपके अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर हमें तो नहीं पता कि हम डिसिप्लिन से लिए या वोकेशनल से लिए। अब देखिए दोस्तों, ऐसे में आपके अंदर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, हम आप सभी को बता देते हैं कि जो इसके पहले हम वीडियो बनाए हैं जो वोकेशनल वाला है, वो सेम टू सेम आपका AAC मिल हिंदी से मिल जा रहा है, जो कि पहले आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप लोग लिख लेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है, कि हम क्या करें, वो पढ़ें कि ये पढ़ें, तो वो तो ऑलरेडी आपका पहले से ही 90% कंप्लीट है, थोड़ा सा उसको देख लीजिए, और यहाँ से भी दो तीन क्वेश्चन देख लीजिए, या तो हल्का सा सर्च करके दो तीन लाइन देख लीजिए कि अगर बाय द वे आपका वोकेशनल होगा और आप डिसिप्लिन वाला पढ़ के चल जा रहे हैं, या तो आपका डिसिप्लिन होगा और वोकेशनल वाला पढ़ जाते हैं, तो कहीं मिस्टेक ना हो, तो थोड़ा सा इसको भी आप लोग देख लें। लेकिन जिसको सेटिस्फाइड है, जो स्टूडेंट सेटिस्फाइड है खुद से कि नहीं मेरा तो यही सिलेबस है, और जो स्टूडेंट ये भी सेटिस्फाइड है कि नहीं मेरा तो वो सिलेबस है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। लेकिन जिसको सेटिस्फाइड नहीं है, जो स्टूडेंट खुद में सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, वो क्या करें, वो आपका जो पिछले इसके पहले जो वीडियो बनाया है, ठीक है, या तो क्वेश्चन उसी से आएगा या तो इससे आएगा। ठीक है, तो वो आपका पहले से आप लोग तैयारी करके रख चुके हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा खाली इसके बारे में जानकारी ले लीजिए हल्का सा। ठीक है, अगर बाय द वे अगर इससे क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, और अगर आपको कन्फर्म पता है कि नहीं हमको यही पढ़ना है, यही सिलेबस है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप यही पढ़िए। ठीक है, पहला देखिए क्या है, स्वाधीनता संग्राम का भारतीय नवजागरण पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन करना है। स्वाधीनता संग्राम का हिंदी साहित्य तथा भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन करना है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको व्याख्या करना है। ये सब क्वेश्चन भी जाना सुना है। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं क्या? ठीक है, बस थोड़ा सा सर्च कर लीजिए ना, बस सर्च करके 2 मिनट भी देख लीजिए ना, तो उसी तरह से बना बना करके लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन है भाई, जो है वो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, महर्षि अरविंद घोष का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, चर्चा करना। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी ने भारतीय तथा हिंदी को कैसे प्रभावित किया, तो फिर मार्क्सवादी ने मार्क्सवादी का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, अस्तित्ववाद का जनक कौन है, अस्तित्ववाद का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। और नेक्स्ट आपका भारतीय साहित्य पर निम्नलिखित कवियों के योगदान को बताइए, यानी भारतेंदु। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, सुभद्रा कुमारी, उसका नेक्स्ट आपका क्या है, मक्खनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, ये तीनों के बारे में आपको पढ़ लेना, ये तीनों ने भारतीय साहित्य पर क्या योगदान दिए। नेक्स्ट आपको ये 8वां 9वां छोड़ देना। ठीक है, इन्हीं हिसाब जो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे इसी हिसाब का शॉर्ट्स क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप सभी को है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका MCQ टाइप्स। आधुनिक भारतीय साहित्य का जनक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, भारतीय नवजागरण का अवधूत किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय नवजागरण की शुरुआत कब हुआ, कहाँ से हुआ, बंगाल से। देखिए दोस्तों, तबीयत खराब है, ठीक है, फिर भी वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि कन्फ्यूजन है ना। मार्क्सवाद का जनक कौन है, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्या, अस्तित्ववाद का जनक कौन है, तो डेनिस दार्शनिक सोरेन किर्केगाई। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक को लिखा है, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट, अरविंद घोष की पुस्तक का नाम क्या, दिव्य जीवन और सावित्री। ये हो गया दोस्तों आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, अगर PDF चाहिए तो आप WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में WhatsApp ग्रुप है, ठीक है। और मैंने आपको क्या समझाया, अगर पूरी आप वीडियो देखे होंगे तो 100% समझ में आया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। बाकी कन्फ्यूजन तो है दोस्तों, और अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं है तो आप कोई बात नहीं, मेरे पास दो वीडियो अवेलेबल है माइनर पेपर हिंदी का, दोनों में जो आपको अच्छा लग रहा है वो पढ़िए, ठीक है। जो आपको लग रहा है कि हम सेलेक्ट किए हैं, जो अच्छा लग रहा है वो नहीं, जो आपको लग रहा है कि हम सेलेक्ट किए वो पढ़िए, ठीक है।